इस पर चर्चा हो रही थी। अक्सर क्या होता है कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं ना, सर सदन बदल जाता है थोड़ा। अचानक में सत्ता पक्ष को लगता है कि सलाह भी नहीं लेनी चाहिए और सलाह को आलोचना के दृष्टिकोण से। मेरी समझ में ये कभी नहीं आया सर कि राजभाषा विभाग को एमएचए में क्यों होना चाहिए और डोनर को एमएचए में क्यों होना चाहिए। अरे राजभाषा एमएचए के बारे में धारणा हम लोगों की है लॉ एंड ऑर्डर का, अब हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए लॉ एंड ऑर्डर के मैकेनिज्म की क्या जरूरत है? ये मतलब मेरी चिंता आज से नहीं है सर, कई वर्षों से मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो नई चीजें क्रिएट होती हैं एमएचए में चली जाती हैं। बहुत डिबेट चला था नेहरू जी के टाइम में और नेहरू जी ने, क्योंकि प्रेडोमिनेंटली ट्राइबल पॉपुलेशन है सर और जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं, नेहरू जी ने ट्राइबल अप्रोच ऑफ पंचशील कहा था सर। उसमें एक बहुत बड़ी चीज थी ना कि इंट्रूजन और इंक्लूजन का फर्क। हम जिस नीति और नियत के साथ चलते हैं वो इंट्रूजन में तब्दील हो रहा है क्या या इंक्लूजन के मकाम को हासिल कर रहा है? ये सिर्फ इसी सरकार नहीं, तमाम सरकारों को नॉर्थ ईस्ट के जरिए के बारे में सोचने से पहले। ये राज्य अद्भुत राज्य है सर, ये हिंदुस्तान की बहुलता को प्रदर्शित करते हैं और उस बहुलता का एक आयाम पेश करते हैं। अक्सर मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं, माननीय उपसभापति महोदय, मैं जब एमए की क्लास लिया करता था, ले गया करता हूं अभी भी, तो मैं अक्सर पूछा करता था स्टूडेंट से कि यूपी का सीएम कौन है, तब से जवाब आ जाएगा। बिहार पूछूं, मेरे सवाल पूछने से पहले जवाब आ जाएगा। मैं पूछ दूं कि मणिपुर का सीएम कौन है, जुबान पे ताले लग जाते थे। नागालैंड के सीएम कौन है, क्योंकि हमारे कॉ बेल्ट के विमर्श का वह हिस्सा ही नहीं है। हम नॉर्थ ईस्ट को एक दूरी से देखते हैं सर, एक एंटिटी है नॉर्थ ईस्ट। और इसी सदन में मैंने कहा था सर कि जब तक उत्तर पूर्व हो या कश्मीर हो, हम इसे महज जमीन का टुकड़ा समझेंगे ना, कभी भी हम सेंस ऑफ एलिनेशन खत्म नहीं कर पाएंगे। और सेंस ऑफ एलिनेशन है माननीय उपसभापति महोदय, बस एक दो मिनट लूंगा उस वक्त, सेंस ऑफ एलिनेशन है। यूं ही मुझे कल ही का इनविटेशन आया है नागालैंड से। लोग वो चिंता, ये कॉ बेल्ट की चिंता नहीं है, ये मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार की चिंता नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान तो सर हम चार राज्यों से ऊपर है ना, उससे बड़ा है, वृहद है। या सिर्फ विमर्श के दिन की डोनर पे बात हो रही है तो हम कहेंगे कि उत्तर पूर्व के बारे में ये हमारा दृष्टिकोण है कि लोग और सरकार को उत्तर पूर्व के प्रति नजरिया बदलना होगा। और मैं इत्तफाक रखता हूं कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने जो सबसे संवेदनशील मुद्दा उसको पकड़ा, एटीट्यूड क्या है सर। अभी भी मैं बता सकता हूं कि जब इस पर चर्चा के लिए समय निर्धारित हुआ, कई लोग कह रहे थे कि इतना वक्त क्यों है इसमें, चार घंटे क्यों दिए गए, नाम नहीं बताऊंगा सदस्य का, लेकिन इससे हमारी प्राथमिकताएं जाहिर होती है कि हम कहते हैं अनेकता का एकता देश है, गिना रहे हैं अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, लेकिन हमारे अपने केंद्रीय विमर्श में, सेंट्रल रोस्ट्रम में, वो चिंताएं एब्सेंट है। सर ये जो पेरिफेरल पॉलिटिक्स को देखने का नजरिया है, पेरिफेरल एरियाज में पॉलिटिकल नजरिए से, और अक्सर हमारा इंटरवेंशन जो होता है लोडेड विद लॉ एंड ऑर्डर, आई थिंक दैट शुड बी जेटिसन। एक और चीज कहकर के बात खत्म करूंगा, वो ये कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो मैं गवर्नमेंट की अपनी ही रिपोर्ट से कह रहा हूं, लार्ज नंबर ऑफ देम आर पेंडिंग। आप एक्ट ईस्ट करें या लुक ईस्ट करें, अगर इतने सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं और अगर मैं उसको प्रोपोर्शन में देखूं तो कॉ बेल्ट में उतने प्रोपोर्शन में पेंडिंग प्रोजेक्ट्स नहीं है जितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है।